हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखिए फंक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका बेसिक जो है कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। आज हम उसकी एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, क्योंकि अभी तक तो हालांकि एक दो एग्जांपल समझाई जा चुकी है, लेकिन आज हम पहले एग्जांपल से ही शुरू करेंगे, उसके बाद हम उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लीजिए हम एक सी में प्रोग्राम में बनाना है कि वी हैव टू राइट ए सिंपल सी प्रोग्राम दैट रीड इन ए सिंगल लोअर केस करेक्टर एंड विल कन्वर्ट इट टू अपर केस यूजिंग द लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक, हमें एक सी का प्रोग्राम बनाना है जो लोअर केस करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दे। से हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि राइट ए सी प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, फंक्शन को यूज करके एक सी प्रोग्राम बनाना है विच विल कन्वर्ट ए लोअर केस कैरेक्टर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, इनपुट थ्रू द कीबोर्ड टू एन अपर केस करेक्टर। मतलब कीबोर्ड से हम एक लोअर केस करेक्टर इनपुट करेंगे और वो कन्वर्ट करके उसको हमें अपर केस में दे दे। ठीक है, इस प्रोग्राम को हमको बनाना है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से प्रोग्राम लिखना शुरू किया और ये प्रोग्राम को बनाना है फंक्शन का यूज करके। ठीक, तो ठीक है, अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने कमेंट लाइन लिख दी। कमेंट लाइन तो आप बेटर डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी को समझाने के लिए लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कन्वर्ट ए लोअर केस करेक्टर, लोअर केस करेक्टर टू अपर केस, टू अपर केस यूजिंग ए फंक्शन लिख लीजिए, या सिंपली लिख दीजिए यूजिंग ए प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। कभी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन नहीं समझ लीजिए। तो हमने लिख लिया कन्वर्ट ए लोअर केस करेक्टर टू अपर केस यूजिंग ए प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन, मतलब प्रोग्रामर बना रहा है उस फंक्शन को। ठीक है, इसका यूज करके हमें ये काम करना है। ठीक, अब हमने प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया। तो हमने लिख दिया सबसे पहले हैश, ये हेडर फाइल दे दी हमने, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं कोई। तो हमने डिक्लेयर किया इसको करेक्टर और फंक्शन का नाम हमने दिया लोअर टू अपर। ये हमारे फंक्शन का नाम है, लोअर अंडर स्कोर टू अंडर स्कोर अपर। कुछ भी आप P1 P2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपको पता भी रहे कि हाँ क्या काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का नाम लोअर टू अपर। ठीक, और इसका आर्गुमेंट हमने दे दिया करेक्टर C1। ठीक, अब फंक्शन की बॉडी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया करेक्टर C2। ठीक है, ये एक तरह से हम क्या लिख दिया हमने यहाँ पे ये हो गई हमारा फंक्शन की डेफिनेशन। ये ठीक, अब करेक्टर C2 हमने लिखा, तो जो करेक्टर हम पास करेंगे C1 में, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा। C2 इक्वल टू आएगा C1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमने लिखा स्मॉल ए एंड
सी वन इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर ये जो करेक्टर सी वन हमने पास, अच्छा पहले आप लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये लगाया हमने, ये लगा दिया हमने कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम कैपिटल ए जोड़ देंगे प्लस सी वन, और उसमें से माइनस ए। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम को समझने के लिए आपको एटलीस्ट जो है स्मॉल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर्स की जो आस्की वैल्यू होती है, क्योंकि जो भी हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं या जो कोई भी हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, कंप्यूटर उसको उसकी आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करके और बाइनरी फॉर्म में करके तब यूज़ करता है, तो उसी का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए आपको कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक की आस्की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड की आस्की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको देख लीजिएगा बुक में। ये हो गया, तो इसको कंडीशन को हमने चेक किया, अगर ट्रू होगा, कंडीशनल ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कंडीशनल ऑपरेटर आपको पढ़ाया जा चुका है, उसको तो देख लीजिएगा, तो ये काम हो जाएगा। और अगर फॉल्स मतलब कि ऑलरेडी स्मॉल होगा, तो फिर एज इट इज हम स्मॉल लेटर को ही ले लेंगे। ये बना दिया हमने फंक्शन अपना, और सी टू में जो भी चाहे चाहे ये वैल्यू आए और चाहे ये वैल्यू आए, ये सी टू को हम रिटर्न करा देंगे सी टू। ये फंक्शन काम करेगा। अब ये तो हुआ भी फंक्शन बना है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे मेन। अब हम मेन, ये तो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, अब प्रोग्राम रन कराने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ शुरू किया मेन, फिर ये मेन की ब्रैकेट लगा दी हमने। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले डिक्लेयर किया वेरिएबल करेक्टर, एक वेरिएबल हमने ले लिया लोअर, कुछ भी आप L1 B1 कुछ भी ले सकते हैं हमने, ऐसे ही ताकि रेलिवेंट रहे, समझ में आता रहे। एक कैरेक्टर में डिफाइन किया लोअर और दूसरा हमने किया अपर। ठीक, अब हमने यहाँ पे एंटर किया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ पे हमने लिखा प्लीज एंटर, प्लीज एंटर ए लोअर केस कैरेक्टर, प्लीज एंटर ए लोअर केस कैरेक्टर। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि लोअर केस कैरेक्टर को इनपुट कीजिए। फिर जब हम इस इनपुट करेंगे, तो इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर की बात हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज सी आ जाएगा, फिर हमने कहा कॉमा, और फिर एम परसेंट लोअर, यानी जो भी इनपुट करेंगे वो लोअर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब इस लोअर को कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ लिखा अपर इज इक्वल टू, अब जो हमने प्रोग्राम फंक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं, क्या नाम रखा था, लोअर अंडर स्कोर टू अंडर स्कोर अपर। इस फंक्शन को हमने देखिए कॉल किया किसके लिए, लोअर के लिए, इस वैल्यू के लिए, जो भी हमने स्मॉल लेटर इनपुट किया है उसको हमने फंक्शन के आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट कहलाता है ना फंक्शन का, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, इसमें पास कर दिया है इसको। अब क्या होगा कि ये लोअर वाली वैल्यू जाएगी फंक्शन में, और जो भी अगर स्मॉल स्मॉल ऑलरेडी है तो C1 वाला आ जाएगा पार्ट, और कैपिटल कैपिटल लेटर है या कोई और करेक्टर है तो उसको लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम यहाँ प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, मान लीजिए स्लैश हमने दिया नेक्स्ट लाइन आने के लिए, द अपर केस इक्विवेलेंट इज, अब इसके बाद हमने सीधा दे दिया परसेंटेज सी, फिर हमने स्लैश एन कर दिया, स्लैश एन कर दिया, कोट्स क्लोज्ड कॉमा अपर, तो ये कन्वर्ट होके अपर में जो वैल्यू आई थी वो
द अपर केस इक्विवेलेंट इज, उसके बाद यहाँ पे छप जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो देखिए जो यूजर डिफाइंड प्रोग्राम फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए क्या होता है कि दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शन, द रिक्वायर्ड मेन फंक्शन प्रिसीडेड बाय द प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन लोअर टू अपर। अब इस प्रोग्राम में क्या है कि आप देखिए दो फंक्शन यूज किए गए हैं यहाँ पे, आप देखिए एक तो ये है लोअर टू अपर, ये है आपका प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन, दिस इज क्योंकि हमने बनाया है इसको, दिस इज प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन, और ये मेन जो आप यूज करते आए हैं ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑन दी लोअर केस लेटर्स, ऑल अदर कैरेक्टर्स आर रिटर्न इंटैक्ट, मतलब केवल लोअर केस आप कैरेक्टर इनपुट करोगे स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, तभी वो उसको कैपिटल करके रिवर्ट करेगा, और कोई कैरेक्टर आपने इनपुट कर दिया जैसे आपने डैश कर दिया, परसेंटेज कर दिया, डॉलर कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया, जितने भी सिंबल आपको दिख रहे हैं कीबोर्ड पे, मतलब कि लोअर केस कैरेक्टर के अलावा और कुछ आप इनपुट करोगे तो वो एज इट इज उसको वापस कर देगा। ये लोअर केस लेटर इज ट्रांसफर्ड इन टू द फंक्शन वाया द आर्गूमेंट। अब ये जो लोअर केस कैरेक्टर है देखिए ये फंक्शन में ट्रांसफर किया गया है किसके थ्रू, ये आर्गूमेंट इसके थ्रू, जो C1 आप इनपुट कर रहे हैं, देखिए मेन फंक्शन में आप लोअर इनपुट कर रहे हैं ना, तो वो लोअर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि आप इस वैल्यू के लिए कॉल कर रहे हैं फंक्शन। ए लोअर केस लेटर इज ट्रांसफर्ड इन टू द फंक्शन वाया द आर्गूमेंट C1 एंड द अपर केस इक्विवेलेंट C2 इज रिटर्न टू द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वाया द रिटर्न स्टेटमेंट। तो देखिए इससे ये कॉल करने से क्या होगा कि लोअर जो ये हमने लोअर वेरिएबल डिक्लेयर किया था मेन में, यहाँ आइए इस जगह पे, ये जो लोअर, इस लोअर में जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं ये हमने लोअर के लिए कॉल किया ना, तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक। फिर वो क्या करेगा, ये इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होती है, अगर लोअर जो है हमारा ए से जेड के बीच में दिया, ए बी सी डी कुछ भी हमने स्मॉल में दिया है, तो उसको इस फॉर्मूले से कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर स्मॉल लेटर्स के अलावा किसी ने कुछ और इनपुट किया है तो जो भी इनपुट किया वो एज इट इज लौटा देगा, ठीक। तो जो चाहे ये वैल्यू आए सी टू में और चाहे ये वैल्यू आए सी टू में, उसके बाद हम सी टू को रिटर्न कर देंगे। जब आप रिटर्न करेंगे सी टू तो ये वहीं लौटेगा जहाँ पे कॉल किया गया था, तो यहाँ से जब कुछ रिटर्न की जाएगी तो इसको कॉल कहाँ क्या किया था फंक्शन को, यहाँ पे अपर इक्वल टू इतना, जो C2 आया है वो इस वो वैल्यू जो वहाँ से फंक्शन से C2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और फिर वही प्रिंट हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से फंक्शन को हम कॉल करते हैं और फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको डिफाइन करके बना के। तो आई होप कि आपको बेसिक वर्किंग धीरे धीरे अब समझ में आ रही होगी फंक्शन की। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।